जीरकपुर के नामी बिल्डर गोल्ड मार्ग पर माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा छापा मारकर अवैध ग्रेवल स्क्रीनिंग प्लांट पकड़ा। माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा ये कार्रवाई सोसाइटी के आसपास के रहने वाले लोगों से मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई है। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही थी कि गोल्ड सोसाइटी के मालिकों द्वारा अवैध रूप से खुदाई की जा रही है और सोसाइटी के अंदर ही स्क्रीनिंग प्लांट लगाकर ग्रेवल में से रेत, बजरी और पत्थर निकाला जा रहा है, जिससे रहायशी इलाकों में प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और शिकायत के आधार पर माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जीरकपुर पुलिस को साथ लेकर गोल्ड मार्ग सोसाइटी की छानबीन की गई। वहां पर चल रहे अवैध स्क्रीनिंग प्लांट को बंद करवा दिया गया। बिल्डरों के खिलाफ जीरकपुर थाने में शिकायत दी गई। कार्रवाई करते हुए जीरकपुर पुलिस ने गोल्ड मार्ग सोसाइटी के विजय रोड़ा और केश कक्कड़ पर माइनिंग एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। Sheetal Mink Blankets, sabse hot. Sheetal Mink Blankets. Exclusive design, feather softness. Sanu itho nede de residence ne shikayat kiti si ki ke itthe ek screening plant lagya hai jehda gair kanuni hai. Utho jadon eh chalda hai tan mitti dhoor ghatta utda hai. Assi itthe ajj police naal assi itthe checking karan layi aaye haan. Itthe ek mini screening plant lagya hoya hai. इत्थे प्रबंधकों को कहा कि ये कागज़ वगैरह सानू दिखाओ, ये परमिशन तो मालक इन्हां दे इत्थे मौजूद नहीं, थोड़ी देर च आ जाएंगे। इन्हां दा कहना है कि ठेकेदार जो साडा कंस्ट्रक्शन कर रहा है ये उन्हें अपना समान धोने के लिए यह जिहड़ा है स्क्रीनिंग प्लांट इत्थे लाया। कोई परमिशन है तुहाडे कोल? हाले तक इन्हां ने सानू कोई परमिशन दिखाई नहीं। ਸਾਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮਾਦਰਜੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦਮਾਦਰਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਆ ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੱਕੜ। जीरकपुर से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ फारस सूद, अजा टीवी न्यूज़।